जनता इलाज करके बता देगा। सम्राट चौधरी को और नीतीश कुमार को सब मोदी जी इनको चुनाव प्रचार के लिए भेज के देखें कैसे इनके ऊपर जूता चलेगा और सड़ा हुआ टमाटर चलेगा। प्रमुख का जनक है कौन, सवाल यहाँ आगे खड़ा हो जाता है। जब से 14 के बाद से लोकतंत्र को तख पर रखा कौन? महात्मा जी नीतीश कुमार विधानसभा में बोले थे कि कैसे जनसंख्या नियंत्रण पर उस पर एक विधायिका जमकर रोई थी विधानसभा में ही। अब वो नीतीश कुमार के देख के बहुत हंस रही थी, क्या कहेंगे? विधानसभा में वो जनसंख्या के बारे में बोले और उनको मुंह से निकल गया हस्बैंड वाइफ को कहना चाह रहे थे। रतवा में सुत्ता है तो सुत्ता है तो सुत्ता है तो उसी में रहता है पनिया भी, इसमें भी महिला लोग को शिक्षा दे रहे थे उसमें बीजेपी के महिला कुछ एकदम आग बगुला हो गया। बीजेपी वाले आग बबूला हो गए, आग बबूला नहीं रोने लगी ना, हाँ, रोने लगी तमाशा किया। आज इस तरह का बयान माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में दिया तो वो हम लोगों को भी बहुत शर्मसार किया है और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मैं उठकर सदन से बाहर चली आई। नीतीश कुमार को कुत्ता तक बोला गया, नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा गया, रिजाइन करने के लिए कहा गया, दोगला कहा गया, कहा जाए ऐसा मुख्यमंत्री को एक चूहा पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सड़क पर जमकर प्रदर्शन, पूरे भारत में प्रदर्शन किया गया, बिहार में नहीं पूरे भारत में प्रदर्शन किया गया, कुछ महिला को लेके भी किया गया। आज वही बीजेपी वाले से हम पूछना चाहते हैं ये नीतीश बाबू को आपने बुला के फिर ले आया आपस, क्यों लाया? पहले नीतीश बाबू बाहर थे और इनके साथे नहीं थे, बाहर थे तो इनको शर्म लगता था ये बाहर में जाके कैसे प्रैक्टिकल करके हम सीखेंगे, इसलिए नीतीश बाबू को अंदर बुला लिए। अब नीतीश बाबू कैसे अंदर गिराया जाएगा कि बाहर गिराया जाएगा, नीतीश बाबू प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। जैसे तो पहले हंगामा कर रही थी, हाँ। नीतीश कुमार दोगला है तो नीतीश कुमार चुट्टा है, कुकर्मी है, तो ये है, आज वही पूजा कर रहा है, आज गुरु मान के नीतीश बाबू को अंदर बुला लिया। नीतीश बाबू अंदर जाके क्या करेंगे, प्रैक्टिकल उसको शिक्षा देंगे। तेजस्वी यादव बोले कि नीतीश कुमार बोले कि हमको मन नहीं लगता था महागठबंधन में, क्या पहले से प्रैक्टिकल के लिए बातचीत हुआ था क्या? एकदम मन विचलित हो गया था, प्रैक्टिकल करके नीतीश बाबू दिखाएंगे, हाँ। और उसके बाद जूता से बिहार का जनता उनको इलाज करेगा, तब उनको बुझाएगा। किनका इलाज करेगा? नीतीश कुमार को आप जो प्रैक्टिकल करके दिखाने गए हैं, हाँ। और जनता को धोखा दिए है, जो जनता नीतीश कुमार के नाम पर, जदयू के नाम पर, महागठबंधन के नाम पर बीजेपी से हंगामा करके जो नीतीश बाबू को वोट दिया होगा, वो जनता, वो वोटर नीतीश बाबू को चप्पल से नहीं स्वागत करेगा। अरे इसमें क्या बड़ी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले थे कि नीतीश कुमार के डीएनए में दोष है, इसमें क्या दिक्कत है, इधर से उधर से उसको जाना ही है। नीतीश कुमार तो दोगला हैते हैं, हाँ। ये तो साबित हो गया, जब देश के प्रधानमंत्री कह दिए ये नीतीश बाबू को डीएनए में गड़बड़ी है, डीएन में गड़बड़ी का मतलब होता है, देहात में हम लोग यही ना कहते हैं कि डीएन में गड़बड़ी है तो दोगला संतान के ही लड़का है, क्या ऐसे भी देखा जाता है, दोगला संतान तेज होता है। अच्छा, तो जब भारत के प्रधानमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री को कह दिए दोगला यानी डीएन में गड़बड़ी, तो हम लोग ग्रामीण है, डीएन में गड़बड़ी उसी को कहते हैं जो दो तीन बाप का बेटा हो, उसको कहते हैं जे ये दोगला संतान है, तो नीतीश बाबू तो दोगला है ही, ये भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, और जनता भी कह रही है पलटू का क्या मतलब, दोगलापन तो इन्होंने किया ही जनता के साथ, और उस जनता के साथ किया जो जनता इनके ऊपर विश्वास करके जदयू के नाम पर, कांग्रेस के नाम पर, सीपीआई के नाम पर, महागठबंधन के नाम पर, बीजेपी से एंटी होके, जात के नाम पर, कुर्मी के नाम पर जो नीतीश बाबू को वोट दिया, वो नीतीश बाबू दोगलापन किए उस जनता के साथ, उस वोटर के साथ, इसलिए वो वोटर अभी सामने आ रहा एमपी का चुनाव दोनों गाल में जूता से मारेगा इनको, और हिम्मत होगा
मोदी जी इनको चुनाव प्रचार के लिए भेज के देखें कैसे इनके ऊपर जूता चलेगा और सड़ा हुआ टमाटर चलेगा। सम्राट चौधरी बोले हैं कि जो विधायक फ्लोर टेस्ट में शामिल नहीं हुए उसका इलाज करेंगे। वो इलाज क्या करेंगे, जनता इलाज करके बता देगा सम्राट चौधरी को और नीतीश कुमार को, सभी को। अभी देखे हैं एक विधायिका जो थी महिला, क्या उसका नाम है, बीमा भारती एकदम आंसू बहा बहा के बिभोर होके रो रही थी। सम्राट चौधरी बोले हैं कि विधायक के खरीद फरोख्त का मामला जो है अब उठेगा और जांच होगी। अरे तो खरीद फरोख्त का जनक है कौन, सवाल यहाँ आगे खड़ा हो जाता है। जब से 14 के बाद से लोकतंत्र को तखप रखा कौन, ये सुप्रीम कोर्ट का 3 बेंच प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बातों को रखे थे उसमें रंजन गोगोई भी थे, तो उनका ईमान डोल गया तो गोवा के राज्यपाल बन गए और 2 बलात्कार के केस में आज यहाँ पर आए। अरे दलाली और खरीद फरोख्त तो सबका आप ही का दिया हुआ है, और उस कर्म पद में जो छोटा छोटा पार्टियां है उसमें अरे भैया अब इतने कर्मों पद पर चल तभी जाके अब राज कर दे। जेडीयू के बीमा भारती और संजीव कुमार हैं, वो फ्लोर टेस्ट में भाग नहीं लिए थे, लेट से आए थे, तो दोनों को अरेस्ट करवा लिया गया। पहले नहीं लिए थे उनका कारण है उनका जमीन डूब गया। बीमा भारती का कहना ना भैया ये सब तो जाली है, ये सब तो लोकतंत्र के नाम पर जो है लोकतंत्र का गला घोट रहा है। अब भाई जनता के द्वारा चुन के आई है, वो गरीब परिवार से यहाँ तक सर्वाइव किया, जनता डायरेक्ट चुनने का काम किया है, तो भाई जनता के पक्ष में बात करेगी। इनको लगा बीमा भारती जो महिला विधायिका है बीमा भारती, उनको लगा कि नहीं ये सब गलत ढंग से राजनीति कर रहा है, उनका जमीर जागा, वो कहे कि हम भाई तोरे पक्ष में वोट नहीं करेंगे, और ये अपने पक्ष में बीजेपी वाले और जेडीयू वाले वोट कराने के लिए उनके बच्चा का हम नहीं बता रहे हैं। तो बीमा भारती का स्टेटमेंट है मौखिक रूप से सोशल मीडिया पे वायरल भी है, आप उसको को देख सकते हैं। वो डायरेक्ट ब्लेम लगा रही है जेडीयू के जो वरीय अधिकारी जो वरीय मंत्री सांसद है और बीजेपी के जो है जो अलायंस है उससे अभी के डेट में, ये सब मिल के अपहरण किया और कहीं ना कहीं हमारे पति को बैठक पर धकेला और जबरन कहा कि तुमको देना होगा समर्थन, आ नहीं तो तुमको हम CBI ED ID इनकम टैक्स सब लगा देंगे, तुम्हारा दूरा तक नहीं बचने देंगे। अच्छा, तो महिला वियोग करके मतलब क्या नहीं उस महिला पर सितम बीत रहा अभी के समय में, वो तो महिला विधायिका ही बताएगी। हम तो चाहेंगे कि आप लोग के जैसा मीडिया दलाली छोड़ के थोड़ा उनसे भी जाके मौखिक रूप से स्टेटमेंट ले लो तो बेहतर होगा। अरे चेतन आनंद को तेजस्वी यादव के घर से रात में उठा लिया गया है फ्लोर टेस्ट से एक रोज पहले। चेतन आनंद का नहीं है, समस्या चेतन आनंद जी के पिता का है। अब बीजेपी वाला देख भैया अब तोरा हमारे पक्ष में आवेला होता हूँ, डर गया क्या, भयानक डरा तनका मन करे ऐसा डरा कि हम कहा बताए। तो कृष्णैया के घर पर ही कहा कि तू नहीं मानेगा, चलो कृष्णैया के परिवार को लेकर पहुँचते हैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तब तोरा समझ में आएगा। बेचारा बैक फुट पर चलेगा, इनके पास तो मजबूरी है, फिर भी तेजस्वी यादव का कोई बात नहीं है, तुम्हारी मजबूरी को हम समझ सकते हैं, जरूरी पड़ेगा तो हम तुम्हारे साथ है। अरे अनंत सिंह की पत्नी लवली आनंद का तू भी अपना पाला बदले तो उनका भी समस्या है, देखिए रहे आप भी बेचारे जेल में सड़ रहे हैं। तो दुष्यंत चौटाला अपना गेरी मार के अपने पिता को रिहाई करवाए, इसी तरह लवली आनंद की गेरे भैया एक मिल जाते हैं हमारा ही पति है कहीं छोड़। अरे को यादव विधायक भी तेजस्वी यादव को गच्चा दे दिया है, और गच्चा देने का रीजन यादव है कि नहीं है, यादव है उनको खुचाक मार रहा है मुख्यमंत्री बनने का, लग रहा है कहीं बीजेपी वाला हम लोग मुख्यमंत्री न बना दे। अच्छा, समस्या यहाँ पर ही जाके फंस जाता है, किसको नहीं खुचाक मारता है मुख्यमंत्री बनने का, सब चाहता है कि मुख्यमंत्री बने।